यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए अब रुक करते अगली खबर का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फतेहाबाद में अपनी चौथे चरण की जनक्रांति रथ यात्रा की है। इस दौरान हुड्डा ने बीजेपी और इनेलो पर जमकर निशाना साधा। वहीं टोहाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो कांग्रेस में टिकटें नहीं बिकने देंगे, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। सुभाष बराला ने कहा कि टोहाना में हुड्डा ने मान लिया कांग्रेस में टिकट बिकती है, ऐसे में हुड्डा को कांग्रेस में टिकट बिकने के बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि कांग्रेस में टिकट कौन बेचता है और टिकट कौन खरीदता है। हुड्डा साहब ने टोहाना में मन से कही है कि मैं टिकटें नहीं बिकने दूंगा, तो आपके माध्यम से मैं हुड्डा साहब से एक सवाल चाहता हूं, सवाल का जवाब चाहता हूं। वो ये तो बताएं, यानी कि उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस पार्टी में टिकटें बिकती हैं, वो ये बताएं हरियाणा की जनता को कि वो बेचने वाला कौन है और वो खरीदार उन टिकटों के कौन कौन लोग हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। जब इतनी बड़ी बात एक पूर्व मुख्यमंत्री जो एक यात्रा लेकर के निकले हैं और कहते हैं हम प्रदेश में बदलाव लेकर के आएंगे, तो अपनी पार्टी के अंदर वो बदलाव पहले किस प्रकार से लेकर के आएंगे, इस बात को स्पष्ट वो करें, हरियाणा की जनता को बताएं कि कौन टिकटें बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। ये सारी बात अगर स्पष्ट करेंगे तो मुझे लगता है तो जो उनकी बात कही हुई है उसका जवाब आएगा।